you have been given a paragraph in a jumbled form, and all you need to do is to unjumble them and arrange them in the required order. So we'll start. What is a parajumble? A parajumble, as the name suggests, is a paragraph with randomly jumbled sentences. आपको एक paragraph दिया जाएगा जिसमें कुछ sentence होंगे, मान लो 5 या 6 या 7, वो सब jumbled form में होंगे. आपको उन सबको rearrange करना है कि first क्या आएगा, second क्या आएगा इस order में, और उसको jumbled form में लेके आना है. उसके बाद आपको कुछ questions पूछे जाएंगे कि jumbled करने के बाद first sentence कौन सा था, second कौन सा था, उसका आपको respective answer करना है. सॉल्विंग पैराजम्बल इज लाइक सॉल्विंग अ जिग्सॉ पजल. जैसे कि आपको एक पजल दिया जाता है जो कि सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है और आपको उसको एक मैनर में लेके आना होता है, तो वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैराजम्बल. फर्स्ट, इन सम पैराजम्बल द कैंडिडेट्स आर गिवन द इंट्रोडक्टरी और द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द पैराजम्बल एंड दे आर रिक्वायर्ड टू अनजम्बल द रिमेनिंग सेंटेंसेस. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको, मान लो टोटल सेंटेंसेस 6 दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से जो फर्स्ट सेंटेंस है वो फिक्स कर दिया, उसको बोल्ड करके और दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो फिक्स है और वो सही ऑर्डर में है, तो आपको सेकंड से लेके 6 तक के अरेंज करने हैं. नेक्स्ट देखेंगे, इन सम द क्लोजिंग सेंटेंस इज प्रोवाइडेड एंड द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू यूज दिस टू रीअरेंज द रिमेनिंग सेंटेंस. इस केस में ऐसा होता है कि 6 सेंटेंस मान लो आपको दिए हुए हैं, तो 6th और जो लास्ट सेंटेंस है उसको बोल्ड करके और मेंशन किया जाएगा कि ये फिक्स है और ये एकदम सही ऑर्डर में है. अब आपको 1 से 5 तक रीअरेंज करना है और करेक्ट ऑर्डर बताना है. थर्ड, किसी किसी में ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस, मान लो फर्स्ट और 6th जो है, उन दोनों को बोल्ड करके हाईलाइट करके बता दिया कि ये दोनों सही पोजिशन में है, मतलब कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ये होगा और कंक्लूडिंग सेंटेंस ये होगा. आपको सिर्फ जो बीच वाले 2 to 5 है उनको एक फॉर्म में अरेंज करना है. एंड द लास्ट ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आता है, दैट इज कि आपको सब जम्बल फॉर्म में दिया होगा और आपको सारा कुछ अनजम्बल करके और करेक्ट सीक्वेंस बताना है. तो अब हम देखेंगे कि पैराजम्बल सॉल्व कैसे करते हैं. कुछ सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स है इसको करने के लिए. फर्स्ट, रीड द पैराजम्बल. गिव द पैराजम्बल अ क्विक स्कैन to give a feel of what the passage is about. चाहे आप reading comprehension देखे या close test देखे या paragumble देखे, the first and the foremost thing in every topic is कि आप उसका central theme जाने, main idea क्या है, author क्या कहना चाहता है, वो पहचानना बहुत important है. एक बार आप उसकी central theme या dialogue समझ गए तो आपको full flow पता चल जाता है कि किस order में दिया गया है, फिर आप उसको easily rearrange कर सकते हैं. नेक्स्ट, लुक फॉर द ओपनिंग सेंटेंस. हमेशा पूरा पढ़ लो पैराजम्बल एक बार, उसके बाद देखो कि ओपनिंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है, कौन सा ऐसा होगा जो स्टार्टिंग होगा. और अभी हम आगे देखेंगे कि हम स्टार्टिंग सेंटेंसेस कैसे पहचानते हैं, एंडिंग सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, सेंटेंस कनेक्ट कैसे होते हैं आपस में, जब हम उनको रीअरेंज कर रहे होते हैं तो हमको पता कैसे चलता है कि सेकेंड के बाद थर्ड कौन सा आएगा, वो सब अभी हम देखेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ओपनिंग सेंटेंस पहचानना, और ओपनिंग वाला पहचानना बहुत ईजी होता है. ऐसा कुछ भी जिसमें इंट्रोडक्शन बताया है, या ऐसा कोई भी जिसके अंदर कुछ स्टार्ट हुआ है, या किसी के एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है, या कुछ फुल फॉर्म में दिया गया है, तो वो ओपनिंग सेंटेंस होता है. तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंसेस पहचानना ज़्यादा ईजी है रादर देन आप बीच के अरेंज करो. सो इन अ पैराग्राफ द ओपनिंग सेंटेंसेस यूजुअली इंट्रोड्यूस अ पर्सन, place, concept, premise, committee and establish a scene. Whereas a closing sentence is the one that has a conclusion. Opening sentence hamesha introductory hoga aur closing sentence hamesha concluding hoga. Agar concluding sentence hoga to usme kabhi kabhi aise words use honge, therefore, since, thus, hence, to wo sab batayenge ki ye khatam ho raha hai. It's a good idea to find both opening and the closing sentences. Once these two are determined, finding the other sentences becomes easy. एक बार हमको पता चल गया कि 5 सेंटेंस है मान लो, उसमें से फर्स्ट और फिफ्थ ये है, तो अब सेकेंड थर्ड फोर्थ को आपस में अरेंज करना ईजी हो जाएगा. और हमें पैराजम्बल के लिए प्रोसीड भी ऐसे ही करना है कि सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, लास्ट आइडेंटिफाई करना है, और फिर बीच के अरेंज करने हैं. सो हम एक स्मॉल एग्जाम्पल से देखेंगे. फर्स्ट दिया है, शी वॉज वेटिंग फॉर हर ट्रेन, गीता वॉज एट द रेलवे स्टेशन, शी वॉज गोइंग बैक होम ऑन अ वेकेशन.
अब एक रूल होता है कि अगर कोई भी ओपनिंग सेंटेंस होगा तो उसमें पहले नाउन दिया जाएगा और बाद के सारे सेंटेंसेस में प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ये जब हमने टाइप्स ऑफ स्पीच पढ़े थे उसमें देखा होगा कि सबसे पहले किसी भी नेम प्लेस पर्सन थिंग का नाम आएगा, तो हमेशा अब आप देखेंगे ए एंड सी में शी यूज किया है, प्रोनाउन यूज किया है, तो जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो नाउन से स्टार्ट होता है। तो बिना सोचे समझे इसका जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो वी होगा, गीता वॉज एट द रेलवे स्टेशन, फिर शी वॉज वेटिंग फॉर हर ट्रेन एंड शी वॉज गोइंग बैक होम ऑन अ वेकेशन। अब ये दोनों कनेक्टिंग होंगे, बी के बाद सी नहीं आ सकता। गीता वॉज एट द रेलवे स्टेशन, शी वॉज गोइंग बैक होम ऑन अ वेकेशन, ऐसा नहीं होगा। शी वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, रेलवे स्टेशन पे थी, ट्रेन का वेट कर रही थी और वेकेशन में अपने घर जा रही थी, तो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा बी ए सी। उसके बाद सेकंड है वीव द सेंटेंसेस टुगेदर, ट्राई करो कि आप सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर पाओ, उनमें लिंक फाइंड करो कि वो आपस में कैसे जुड़ते हैं। वंस यू आर डन फाइंडिंग द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग सेंटेंसेस, स्टार्ट वीविंग द अदर सेंटेंसेस टुगेदर बेस्ड ऑन द फैक्टर्स, लाइक एक्टिविटी पे बेस होगा कि फर्स्ट सेंटेंस में कुछ एक्टिविटी हो रही है और सेकेंड उसको फॉलो कर रहा है, टाइम पे बेस होगा या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा कि फर्स्टली ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, सुबह ऐसा हुआ फिर आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, तो इस तरह से एक किसी टाइम के ऑर्डर में होगा या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होगा या फिर वो किसी ईयर के ऑर्डर में होगा कि इस ईयर में फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में, या कोई भी सीक्वेंस में दिया हो। इसमें प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन सीक्वेंस भी आ सकता है, कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस भी आ सकता है। सो हम वन बाय वन देखेंगे कि ये कैसे कनेक्ट होते हैं।